मुनव्वर फारूकी आज के एपिसोड में काफी ज्यादा अपसेट नजर आए, वो भी मनारा के कारण। तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों के काफी सारे रिएक्शन आते हैं, और जैसे कि ईशा ने समर्थ को समझाया और विक्की ने समर्थ को समझाया। ईशा ने जिस तरीके से बोला कि भाई तुझे दूर जाने के लिए बोल नहीं रहे हैं कि तू उस जगह से हट जा, उसको रियलाइज़ करवा कि आखिरकार तू क्या है उसके लिए, और वो उतनी इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप को नहीं देती, वो बहुत कैजुअली लेती है। हालांकि मैंने ये चीज़ जो है आप लोगों को एपिसोड आने से पहले ही सब चीज़ें बता दी थी। और विक्की ने जो है विक्की के सामने रो भी पड़े मुनव्वर, और विक्की ने जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि भाई देखो यहाँ पर कोई अपना तो है नहीं, ठीक है, तो सब इंडिविजुअल है, और वो गेम को तुझे सोचना पड़ेगा, गेम तुझे अब खेलनी पड़ेगी। और वहाँ पर विक्की ने मजाक भी किया कि भाई बाहर जाएगा तो बोलेगा कि हम बोलेंगे तू वहाँ पर कर क्या रहा था, हम ना तुझे बोल सकते हैं ना तुझे चिट्ठी भेज सकते हैं, फिर भी तू घर लेके आने की सोच रहा था क्या, वहाँ पर गेम खेलने गया था। तो वहाँ पर गेम खेलनी थी, तू जो बहुत अच्छा है लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ लाइफ बाहर जो है वो रख, लोगों के साथ अच्छा रहे, तेरे पेशेंस की जो इतनी हद है ना उसको थोड़ा क्लोज कर दे यहाँ के लिए, और बाहर जाके अपनी जो भी तेरे पेशेंस है उसको उतना ही रख, सहने की तेरी जितनी क्षमता है उसको वहीं पर रख, पर इस गेम में गेम खेल भाई। ये बात जो है विक्की ने भी जो समझाई है मुझे बहुत अच्छी लगी है। इवन अंकिता ने भी ये बात बोली थी मुनव्वर को कि अंकिता तो भाई आज दोपहर को सच में कहीं ना कहीं गेम खेल गई, मैंने आप लोगों को बताया है। और रही बात रिंकू जी की, रिंकू जी ने भी ये बात बोली कि भाई तू अपना सोच रहे उसके साथ, तू उसके पीछे है, बट उसको स्ट्रांग बना कि हाँ वो आगे जाए। और मुनव्वर ने आज खुद बोल दिया कि अगर मेरे को अब पता लग गया ना कि वो किसी के साथ है तो मैं बैकआउट कर जाऊँगा। और अब जो है मनारा के हाथ में है कि आखिरकार मनारा गवाना चाहती है मुनव्वर को या पाना चाहती है, अभी देखेंगे। अगर मुनव्वर ने बैक स्टेप किया भी मनारा से तो कोई भी मुनव्वर को गलत नहीं बोल सकता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।